नहीं नहीं लास्ट में क्या कहता हाँ हरने देखने दीजिए हर जाइए देखे 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 अरे भैया कि जो भी होता है चुनाव है लोग को गम गुस्सा रहता है थोड़ा सा लोग को रहता है कुछ लोग उनके उनके दिल में भी था कि भाई उसको मिला पार्टी का जो बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला जो अख्तर रहमान साहब का जो फैसला है वो मानना पड़ेगा हाँ। चाहे एक आम कार्यकर्ता हो चाहे जिला अध्यक्ष सबको मानना पड़ता है तो ये बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला है सबको मानना है इसलिए वो फैसला कमरुल हक साहब के लिए हुआ और सदरे मजलिस बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब ने कमरुल हक साहब को कमरुल हुदा साहब को किशनगंज हल्का से असेंबली उम्मीदवार बनाया और आप लोग से यही गुजारिश है तोड़फोड़ किन्होंने किया जो लोग थे उन्होंने तोड़फोड़ किया है मतलब अपना गुस्सा का इजहार किया है तो पॉलिटिक्स में होता है हर जगह तोड़फोड़ होता है तो यहाँ भी थोड़ा बहुत अपना गम गुस्सा का इजहार किया देखिए बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब जो परचम लेके चले हैं अख्तर उलीमान साहब जो परचम लेके चले हैं MIM का एक एक कार्यकर्ता फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू पंचायत टू वार्ड मेंबर वो बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी साहब के फैसला के साथ देखिए ये चुनाव है चुनाव में लोग अपना गुस्सा और गम का इजहार कर रहा है वो भी हमारे अपने हैं हमारे मित्र हैं हमारे साथ चलने वाले हैं और MIM के वो भी साथ चलने वाले हैं इसलिए ये गम और गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक विश्वास के साथ एक भरोसा के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया है मैं उनका मुबारकबाद अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मैं जनाब अख्तर उलीमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष MIM के हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मैं प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे आदिल साहब को ये नाराजगी सब दूर हो जाएगी जितना गम गुस्सा है सब दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह जो विश्वास असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे ऊपर जताया है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और किशनगंज का सिख असदुद्दीन ओवैसी के झोली में लेकर डालूंगा ये मुझे पूर्ण विश्वास है इसलिए हमारे साथ किशनगंज पोठिया का जनता है कोई नेता अगर मान लिया कि गम गुस्सा का इजहार कर दिया उससे टूट होगा ऐसी कोई बात नहीं है हम सब एक हैं और एक साथ होकर के चलेंगे और इंशाल्लाह इस चीज को निकाल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के झोली में डालेंगे ये पूर्ण विश्वास है मुझे मामला किसान हो गया सर कमलनाथ साहब आ गए नहीं है।